हाय फ्रेंड्स, आज हम आने जा रहे हैं क्विक चिकन रेसिपी फ्राई की। घर में 1 किलो चिकन लेके अच्छे से धो के इसको एक्स्ट्रा पानी सारा इसका स्टरर में डाल के निकाल चुकी हूँ। इसको ऐड कर लेंगे हम। मीडियम साइज के पीसेस ले हूँ। इसको ऐड करने के बाद रख के मसाले ऐड कर लेंगे हम। पहले हम 1.5 स्पून नमक ऐड कर लेंगे। एक स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, इधर कश्मीरी मिर्च 1 स्पून ली हूँ और तीखा वाला 1 स्पून ली हूँ इधर मैं। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से आपका कम या ज्यादा कर सकते हो। कस्तूरी मेथी 2 स्पून, गरम मसाला 1/2 स्पून, मैं सारे टीस्पून से ली हूँ मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून ले रही हूँ मैं इधर। 1 किलो चिकन का बना रही हूँ ना, उसके हिसाब से मसाले बता रही हूँ आपको। 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर चुकी हूँ। 2 स्पून हम तेल ऐड कर लेंगे और 4 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ के ऐड कर रही हूँ और 1 नींबू का रस ऐड कर लेंगे। एक मुट्ठी भर धनिया पत्ता, 2 मीडियम साइज की प्याज लेके चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे चीजें ऐड कर चुके हैं दोस्तों। इतनी चीजों से बनता है ये, बहुत मजेदार बनता है, आसानी से भी बना सकते हो आप। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इस तरीके से हम इसको सारे चीजें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है, चिकन को और मसालों को। नमक मिर्च आप जितना खाते उतना ले सकते हो, कम या ज्यादा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको हम। दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स कर चुके हूँ हम। इस पर ढक्कन ढक के कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इस तरह से मैरिनेट करके बनाएंगे तो आपका चिकन अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनेगा। कम से कम 20 से 25 मिनट, अगर आपके पास टाइम कम होगा तो आप 15 मिनट भी इसको रख सकते हो। अब इसको हम ढक के रख देंगे साइड में। जैसे 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट हो चुका है, अभी हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अभी बेस पैन रख चुकी हूँ मैं, अब इसमें हम तेल ऐड कर लेंगे। 1 टेबल चम्मच इधर मैं तेल ऐड कर रही हूँ। पहले से ही हम थोड़ा तेल इसमें ऐड कर चुके हैं, इसलिए 1 टेबल चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसको हम गरम होने देंगे। के बाद इसमें थोड़े गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ा शाह जीरा, 2 इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े। इसको हम थोड़ा गरम होने देंगे तेल में, का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। गरम मसाले फूटने के बाद 1 स्पून घी भी ऐड कर लेंगे, वो टेस्ट अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब ये गरम मसाले थोड़ा फूटने लगे हैं, इस चिकन को हम ऐड कर देंगे। सारे चिकन को हमें ऐड कर चुकी हूँ। फ्लेम को ही रख के अच्छे से इसको ओपन पैन में ही कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। पहले हम ओके 10 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे। थोड़ा पकने के बाद एक साइड से अब इसको हम पलट लेंगे। पलट के भी उसी साइड भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ओके, एक तरफ से थोड़ा फ्राई हो चुका है ये। तरीके से हम पलट के इसको भी 4 से 5 मिनट एक साइड से पका के फिर ढक के इसको पका लेंगे हम। दूसरी साइड से भी थोड़ा पकने के बाद मिक्स कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ मैं। मिक्स करके अभी इसका ढक्कन ढक के हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। बीच बीच में चेक करते रहिएगा क्योंकि नीचे से जलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बीच में एक दो बार चेक कर लीजिएगा। दोस्तों कम से कम 10 मिनट से पक रहा है ये, देख सकते होंगे आप। इस तरीके से पक रहा है, पानी सारा छोड़ दिया है चिकन। अभी इसको हम इसी तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से सूखा कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाला चिकन चाहिए तो आप इसी तरह से खा सकते हो। आज मैं ड्राई चिकन बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा इसको सूखा लेंगे हम। बहुत ईजी है और मज़ेदार रेसिपी भी है। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको सुखा लेंगे सारा पानी। नमक चेक कर लीजिएगा, इस समय पे नमक मिर्च कम होगा तो थोड़ा ऐड कर सकते हो आप अपनी पसंद से। ठीक
देखिए दोस्तों अच्छे से तेल छोड़ दिया है और सूख भी गया है। थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करके इसको हम मिक्स करके अभी सर्व कर लेंगे दोस्तों। इतना ही है, आसान रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।